हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सुरई। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है, पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स इस चैप्टर का वेट कर रहे हैं कि 11 वाला जो चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, वो सर कब आने वाला है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और बहुत से कंसेप्ट भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले। तो बहुत अच्छे ढंग से देखिए, एक क्षेत्रकलन का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो आपको समाकलन के अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस देखनी है वो किस तरीके से होगा, तो हम उसको क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन के साथ में, और धीरे धीरे उन्हीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए मैं आपको जो इस क्वेश्चन का टफेस्ट क्वेश्चन है या फिर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी और भी आपको बिल्कुल ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ढंग से देखिएगा। मैं एक ही मेथड, मतलब एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराने वाला हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपको समाकलन का अनुप्रयोग से मिलता है आपको किस तरीके से डील करना है, उस चीज़ को हम आज बिल्कुल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, परवल है y स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको एक एरिया फाइंड करना है, एक पैराबोला गिवन है तो एक लाइन गिवन है, और इससे जो बाउंडेड जो आपका कर्व बनेगा वो आपका बिल्कुल एक, उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप थोड़े जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है जिनका लेवल थोड़ा सा कम है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन, अगर आप इनको अच्छे ढंग से समझ गए तो पिछले जितने भी बड़े क्वेश्चंस है वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका ये जो दे रखा है, और पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तब आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको उस क्वेश्चन से डायग्राम बनाना, और डायग्राम किस तरीके से बनेगा कि जो आपको क्वेश्चन में वक्र गिवन है, जो कर्व गिवन है, अगर उसको आपने प्लॉट कर दिया अच्छे ढंग से और आपने एरिया बता दिया कि हमको ये एरिया फाइंड करना है, तो आपका बिल्कुल इंटीग्रेशन से इजीली आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखिएगा, इस चैप्टर से पहले आपको एक वीडियो दिया गया समाकलन का पूर्ण वर्ग विधि, और उस पर मैंने 9 फॉर्मूले डिस्कस किए, उनका भी उसमें 3 जो फॉर्मूले हैं, मैंने कहा भी था कि उन 3 फॉर्मूले यहां भी काम आने वाले हैं। तो यहां मैं वही करने वाला हूं कि इसमें जो इंटीग्रेशन रह जाएंगे, मतलब मैं वहां तक ही उसको रखूंगा, डायरेक्ट आंसर तक अप्रोच नहीं करूंगा, आपको वो इंटीग्रेशन वहां से उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है, क्लियर। तो मैं सिर्फ उस इंटीग्रेशन से ऊपर का जो स्टेप है उसी को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि वही आपका मेन होता है, ठीक है। हमारे पास में थोड़ा सा टाइम कम है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा वही पहला क्वेश्चन, और उस पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपको एक पैराबोला दे रखा है तो एक लाइन दे रखा है। देखिए, डायग्राम बनाने से पहले आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, वो आपका होता है सममिति। अगर आपका सिमेट्रिसिटी आपको देखनी आ गई कि किसके कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, अगर ये चीज देखना आ गया किस अक्ष के प्रति सममित, अगर ये चीज आपको नॉलेज में आ गई तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, कि आपको क्वेश्चन में दो दो चार चार स्टेप लिखने की जगह आप उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके इजीली आपका एरिया सॉल्व होने वाला है, क्लियर। तो यहां से देखेंगे हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम देखिएगा कैसे बनाना है, सबसे पहले हम इक्वेशन पे गौर करें तो y स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम, आपको 11th में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये जो कर्व है एक पैराबोला और वो कौन से एक्सिस के प्रति सममित होता है। तो हम y का पावर देखेंगे, सर इवन पावर है, y का पावर मतलब 2 है, और ये किस अक्ष के प्रति सममित होगा, तो बिल्कुल ये जो है वो एक्स अक्ष के प्रति सममित होना चाहिए, मतलब एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल, मतलब एक्स अक्ष एक मिरर का काम करना चाहिए, और मिरर का काम करने का मतलब ये है सर कि ये दोनों इस एक्सिस जो है, एक्सिस के ऊपर जितना एरिया होगा उतना ही एरिया एक्सिस के नीचे भी रहने वाला है, और वो भी कौन से साइड में, पॉजिटिव साइड में, क्योंकि सर यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4x आया, नॉट -4x, तो कर्व इस साइड में बन जाता, ठीक है। माइनस आता तो इस साइड में बनता, और पॉजिटिव साइड में, तो हम पॉजिटिव साइड में ही कर्व को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x का जो कर्व हमने बनाया, एक
वक्र बनाया जो कि आपका बिल्कुल एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद आपको कहा है रेखा x बराबर 3, यहां से आपको एक रेखा प्लॉट करनी है जो कि आपका लाइन है x इक्वल टू 3, तो ये आपका x एक्सिस का पॉइंट और ये सपोज x इक्वल टू 3 का पॉइंट आपको यहां देखने को मिल रहा है, क्लियर हो गई बात। और x इक्वल टू 3 से जो लाइन होगी वो किस एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के, तो बिल्कुल आप इस लाइन को प्लॉट कर दीजिएगा, x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये x इक्वल टू 3 का लाइन आ गया, क्लियर हो गई बात। अब इस पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, तो जैसे ही ये लाइन आपको इस लाइन से लाइन आपने जैसे ही प्लॉट की तो ये परवलय को इस कर्व को दो प्लॉट में दो पॉइंट्स पर डिवाइड करता है, क्लियर। यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि x इक्वल टू 3 पर आपको बिल्कुल परवलय कटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी दो पॉइंट्स के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट ये रहा तो सेकंड पॉइंट ये रहा। इसी क्रम में यहां पर इस वाले आपका जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो मैं आपको डॉटेड पूरा कर रहा हूँ, एरिया जो नजर आ रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका एरिया हो जाएगा परिबद्ध एरिया। परिबद्ध का मतलब बाउंडेड, मतलब चारों तरफ से गिरा हुआ, और चारों तरफ से जब गिरा हुआ एरिया होगा उसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सर ये किस अक्ष के प्रति सममित है, सर ये एक्स अक्ष के प्रति सममित है, एक्स अक्ष के प्रति सममित पहचानेंगे वाई की पावर 2 से, एक्स अक्ष के सममित मतलब दोनों तरफ एरिया, मतलब सिर्फ यहां जितना एरिया बनेगा उतना ही यहां मिरर का काम कर रहा है एक्स एक्सिस, मतलब जितना एरिया यहां पर उतना ही एरिया आपको यहां देखने को मिलेगा। कहने का मतलब सर अगर आप एक एरिया को फाइंड कर देंगे ना तो दूसरा एरिया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कर दो तो पूरा एरिया निकल जाएगा, मतलब इसका एरिया निकालो और सर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल्कुल आपको ये पूरा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका मूल बिंदु है यहां पर शीर्ष, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना एरिया फाइंड कर रहे हैं। सर नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सेम है तो इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है, देखिएगा यहां पे आपको क्षेत्रफल लिखना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड एरिया जो है उस कैसे फाइंड करना है वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, यहां से आएगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमको यहां पर एक स्ट्रिप, एक पट्टी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर पट्टी का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर हम वर्ड लगाते हैं dx, और सर dx का मतलब ये है कि dx का मतलब इस x एक्सिस में से एक छोटा सा कंपोनेंट, मतलब एक छोटा सा, अगर हिंदी में कहूं तो छोटा सा अल्पांश, और यह अल्पांश लेने के लिए हम एक पट्टी सेलेक्ट करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी, और ऊर्ध्वाधर पट्टी मतलब वर्टिकल एक स्ट्रिप कंसीडर की। इस वर्टिकल पट्टी का मतलब यह है कि ये सर एरिया फाइंड करने के लिए, कहने का मतलब अगर आप पट्टी का एरिया फाइंड कर देंगे ना, अरे इसका मतलब ये समझो कि सर ये dx और ये आपका dx और ये आपका y एक्सिस है, तो ये y इसकी लेंथ है, मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा, और रेक्टेंगल का एरिया सर क्या होता है, y डॉट dx, मतलब मैं यहां से लिख रहा हूं सर इसका एरिया y डॉट dx। सर y क्यों लिखा, एक और रीजन से बता देता हूं, क्योंकि y को हम x के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, और x का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा। अब यहां से मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सर ये dx जो पट्टी आपने ली है, इसलिए ली है क्योंकि एक पट्टी का एरिया अपन ने y डॉट dx लिख दिया। सर इंटीग्रेशन किस लिए उपयोग में लिया, अरे भाई इंटीग्रेशन उपयोग लेने का मतलब यह है सर कि ये ऐसी जितनी भी पट्टी होगी उनका सभी का एडिशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये पट्टी जो है, इस पट्टी को यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां तक पहुंचा, मतलब ये पट्टी जो वो धीरे धीरे मूव करती हुई बहुत सारे एरिया बना रही है, और एरिया बना रही है मतलब ऐसी पट्टी खूब सारी होगी, ऐसी पट्टियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो सर ये आपका पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब सर ये है कि जैसे ही आपने ये इंटीग्रेशन लगाया, और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है योग करना, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है,
तो ऐसे y डॉट dx की जितनी पट्टी इस एरिया में मूव करती हुई जा रही है, जितना एरिया बना रही है अल्पांश के फॉर्म में, उतने एरिया सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म में समझ आया कि यहां सर हम कौन सी पट्टी सेलेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल पट्टी। आप यहां पर ऊर्ध्वाधर तो आपने सेलेक्ट की, क्षैतिज भी कर सकते हैं, लेकिन क्षैतिज के केस में बात याद रखना कि यहां जो लिमिट्स आप यूज लेंगे वो फिर वो y के फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन मेरा आपको कहना एक ही बात है कि जब भी आपका क्वेश्चन x के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, x की लिमिट्स दे रखी है, तो आप बिल्कुल उसका वर्टिकल पट्टी सेलेक्ट करो। वर्टिकल पट्टी जब भी सेलेक्ट किए, कहने का मतलब इसका जो एरिया आएगा वो हमेशा y डॉट dx आएगा। अगर ये पट्टी मूव करेगी ऐसे खूब सारे एरिया बनाएगी, कहने का मतलब इंट्रीगेशन लगने वाला है, और इंट्रीगेशन लगेगा तो सारे एरिया क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तो आपने एरिया की बात कर दी। अब ये सर ऊपर जितना एरिया उतना ही तो नीचे, कहने का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सर 2 से, कहने का मतलब ये जितना एरिया उतना ही एरिया, मतलब डबल हो गया ना एरिया। अरे भाई तभी तो ये पूरा एरिया फाइंड हो पाएगा। अब मेरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर आपने एरिया लिया है इस स्ट्रिप का, वो स्ट्रिप सर कहां से कहां तक मूव कर रही है, तो सर वो स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होगी, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से चलते 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 कहां रुकेगी सर, 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर रुकने का मतलब है 0 से 3 पर आपका लिमिट हो गया, मतलब लोअर लिमिट 0, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां पर खत्म हुआ, 3 पर खत्म हुआ, तो 0 से 3 पर आपका क्या हो गया भाई, y डॉट dx। अब सर यहां एक बात समझनी आई कि यहां पट्टी बनाओगे तो इसका एरिया कुछ और होगा, यहां पट्टी बनाओगे तो इसका एरिया कुछ होगा। अरे भाई वो तो निर्धारित बिल्कुल हो जाएगा किससे, गिवन कर्व से, कि गिवन कर्व क्या है। तो यहां से देखिएगा 2, 0 से 3, तो गिवन कर्व हमारे पास में ये रहा, और इससे आपका वाई निकल जाएगा सर 2√x। तो यहां से मैंने लिखा 2√x डॉट dx। लिमिट आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि इंट्रीगेशन के अंदर हम सारे अल्पांश सारे पट्टियों को जोड़ते हुए जाएंगे, ये पट्टी जो है वो स्ट्रिप जो है वो मूव करती करती 0 से 3 तक पहुंचेगी, इसीलिए तो हमने इंट्रीगेशन में कौन सा लगाया है, लिमिट 0 से 3। अब देखिएगा यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया सर 4, और रूट एक्स मतलब होता है आपका, इस इंट्रीगेशन को और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं 4x की पावर हाफ डॉट dx 0 से 3। अब ये कैसे होगा इंट्रीगेशन, x की पावर n का इंट्रीगेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो सेम इसी फॉर्म में यहाँ पे भी वैसे ही करना है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और यहाँ से पावर आ जाएगी 0 से 3। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ से कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8/3, और यहाँ से हो गया 3 में रखा तो ये हो गया 3 और 3 की पावर 3/2, और लोअर लिमिट रखी तो 0, तो -0 आपको लिखने की जरूरत नहीं। इंट्रीगेशन में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने में जाऊंगा डायग्राम से, और डायग्राम से एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उस पे ज्यादा जोर देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा क्या करेंगे, 8/3 यहां से हो जाएगा आपका 3 लिख सकता हूं, और एक √3 लिख सकता हूं, तो 3 से 3 कैंसिल, और आंसर आ गया आपका 8√3, चूंकि ये आपका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट जरूर लगाए, स्क्वायर यूनिट आपका वर्ग इकाई, ये लगाना ना भूले, आपको बिल्कुल ये आंसर होने वाला है 8√3, मतलब एक पैराबोला और एक लाइन से जो बाउंडेड एरिया बनता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना, एक सममिति का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो एक एरिया फाइंड किया तो दूसरा एरिया बिल्कुल आपका डबल कर दो ना, 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करते ही 0 से 3 तक इस स्ट्रिप को मूव कराया तो उसका लिमिट भी मिल गया, और y को उसके टर्म में लिख दो तो बिल्कुल उसका इंट्रीगेशन, और इंट्रीगेशन करने के बाद उसका एरिया निकल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो बिल्कुल आपका आंसर निकलने वाला है। ओके, नोट कीजिए, हम एक समाकलन के अनुप्रयोग का क्षेत्रफल निकालने का क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है ढंग से सुनेंगे, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 1, 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चन में दो दो लाइन गिवन है और एक आपको वही पैराबोला गिवन है, तो सबसे पहले हम पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, अभी बताइए x की पावर 2 मतलब ये किस अक्ष के प्रति सममित होगा, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल
y अक्ष के प्रति सममित होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर y एक्सिस एक मिरर का काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ y एक्सिस पे आपका एक पैराबोला जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको कहा है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, तो ये कहां पर होंगे? तो सर y इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ये रहा, तो y इक्वल टू 1 का पॉइंट मैंने ये रेखा ड्रॉ कर दिया, और y इक्वल टू 1 मतलब ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा? सर x एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिएगा, y इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? तो y इक्वल टू 4 का मतलब है ये रहा लाइन y इक्वल टू आपका बिल्कुल होने वाला है y इक्वल टू 4। तो ये दोनों पॉइंट्स का बहुत केयर करें, दोनों ही लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिएगा, ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है ना, इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले एरिया लिखना पड़ेगा। तो वही बात आई बात सममिति की, और सममिति के कंसेप्ट में अगर आप एक एरिया फाइंड कर देंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो दूसरे एरिया को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक एरिया अगर आपने ये फाइंड कर दिया ना, तो दूसरा एरिया तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, सर यहां पर हम एक्स डॉट डी वाई ले या वाई डॉट डी एक्स, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। अगर क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं वाई डॉट डी एक्स से, तो हमेशा जो पट्टी आएगी वो आपकी वर्टिकल पट्टी होगी, क्योंकि वर्टिकल जो पट्टी होती है वो टच होती है बिल्कुल एक्स एक्सिस, मतलब अल्पांश लेते हैं आप डी एक्स, इसीलिए यहां पर वाई डॉट डी एक्स लिखा जाता है। क्लियर? और अगर आपने क्षैतिज पट्टी मतलब हॉरिजॉन्टल पट्टी ले ली, उस केस में ये जो पट्टी है वो बेसिकली y एक्सिस से टच होगी। y एक्सिस से टच होने का मतलब है ये आपका अल्पांश dy होगा, और dy और ये जो आपका लेंथ होगा वह x एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। तो आपका रेक्टेंगल का एरिया वही लेंथ लंबाई इंटू चौड़ाई होने वाला है, x डॉट dy रहने वाला है। तो इस केस में जब भी पट्टी आप किस तरीके की ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पट्टी लेंगे x डॉट dy आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, y डॉट डी एक्स लेंगे तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब लिमिट भी मतलब मान भी किसके निकलेंगे, x के निकालेंगे। अभी तो देखिएगा एक से ज्यादा कर्व नहीं, अभी सिर्फ एक ही कर्व आप देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपके दो से दो कर्व आ जाएंगे, मतलब आपका एक तो व्रत आ गया और एक और व्रत आ गया, या फिर दो पैराबोला एक साथ आ गए, ऐसे केस में आपको ये पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, मतलब लिमिट्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो वो हम देखेंगे, अभी आप सिंपल से कंसेप्ट को आप बिल्ड कर दे, उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चंस को भी इतना इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो समाकलन के अनुप्रयोग का बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यहां से हमने y डॉट dx का कंसेप्ट सीखा, x डॉट dy का कंसेप्ट सीखा। अब हम आ रहे हैं यहां पर डायग्राम पर, तो डायग्राम पर हम पट्टी कौन सी सेलेक्ट करेंगे? सर यहां पर पट्टी सेलेक्ट करना सबसे बेस्ट यह है कि सर आप क्षैतिज पट्टी सेलेक्ट करो, क्योंकि उसमें लिमिट निकालने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे सर लिमिट ऑलरेडी दे रखी है। सर अगर हमने क्षैतिज पट्टी को सेलेक्ट किया ना, कहने का मतलब सपोज आपने सर पट्टी ये सेलेक्ट की, स्ट्रिप ये सेलेक्ट की हॉरिजॉन्टल वाली, मतलब क्षैतिज पट्टी को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इतनी भेजामारी करने की जरूरत ही नहीं है। सर कैसे? ये पट्टी जो है वो बिल्कुल इस एरिया इस एंड से इस एंड तक जब मूव करेगी तो वो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 के बीच में मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने इसका पट्टी का थोड़ा सा रोल चेंज कर दिया, रूप चेंज कर दिया, मतलब इसको वर्टिकल में चेंज कर दिया, तो कितनी दिक्कत होगी आपको बताता हूं। आपने जब इसको वर्टिकल में लेंगे तो ये जो एरिया होगा ये भी तो इंक्लूड होगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फिर पूरे इस एरिया में से ये वाला पट्टी माइनस करके ये एरिया निकलेगा। तो इतना डिटेल्ड में जाना, मतलब इतना एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि हमारे पास में अगर साधन उपलब्ध है तो हम इतनी बड़ी चीज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अरे क्लियर हो गई ना बात? तो यहां से y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक इजीली पट्टी ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो हम सर यहां पर हॉरिजॉन्टल पट्टी ही सेलेक्ट करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करनी है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर सेलेक्ट करेंगे तो सर x डॉट dy लेंगे, तो x डॉट dy हमने ले लिया बिल्कुल, और यहां लिमिट कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर 4 तक स्ट्रिप मूव कर रही है। तो देखो 1 से लेकर 4 तक स्ट्रिप मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो खूब सारे एरिया बनाती हुई जा रही है, ऐसा एरिया सबका एडिशन होगा। एडिशन तो ऐसे नॉर्मली कर नहीं सकते, तो आजकल बहुत अच्छा सा ट्रेंड आ गया है इंटीग्रेशन। अरे कुछ समझ आ रहा ना, पहले सिग्मा यूज करते थे,
और अब आपको क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन। मतलब पहले सिग्मा यूज किया जाता था और सिग्मा के बाद में अब ट्रेंड आ गया है इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन भी क्या करता है, योग कर देता है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात कि समाकलन का जो अनुप्रयोग, मतलब एक इंटीग्रेशन का किस तरीके से हम इस चीज में उपयोग कर रहे हैं एक एरिया को फाइंड करने में, बहुत डिटेल्ड वाला चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास में बहुत सिंपल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अटैक करना है, कैसे करना है वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं वैसे बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पूरा कुछ सिखा सकूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर हम शॉर्ट में इस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, एक्स डॉट डी वाई हमने लिख दिया, इंटीग्रेशन भी लगा दिया, 1 से 4 तक पट्टी को मूव करा दिया। भाई अब कह रहा है कि सर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू लिख लीजिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, y by 4 equal to x square, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर रूट y by 4 का रूट हो जाएगा 2, मतलब सर रूट y by 2 डॉट dy, लिमिट हो गई सर वही 1 से 4, तो यहां से 1/2 आ गया बाहर। रूट y का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले किया, y की पावर 3/2 में इंटीग्रेशन पे जोर नहीं देने वाला मैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे और इस एक्सप्रेशन पे जोर दूंगा। इंटीग्रेशन आप इजीली समझ सकते हैं, 1 से 4 तक आपका लिमिट आ गया, और अपॉन में 3/2 लिखना ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/2 पर भेजेंगे तो बचेगा 1/3, अरे भाई 2 ऊपर जाएगा ना, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 यहां से हो गया 4 की पावर 3/2, यहां से हो गया 1 की पावर 3/2, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, बीच में निशान माइनस। क्लियर हो गई बात, और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3, 4 को मैं लिख सकता हूं सर 2 का स्क्वायर पावर 3/2, 1 की तो पावर कुछ भी हो कितना आएगा सर 1, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर 8 हो गया, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 हो गया 7, देन इसका आपका आंसर आ रहा है 7/3। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, y में दे रखा था तो x डॉट डी वाई 37 पट्टी लेकर आपने इसका एरिया फाइंड किया। सर इसमें एक मिस्टेक किया है, सर अभी तो आपने इतना ही तो एरिया फाइंड किया है सर, ये वाला भी तो चाहिए। अरे ये चाहिए तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये y एक्सिस के प्रति सममित है और y एक्सिस के प्रति सममित है, तो दोनों बराबर। मतलब यहां सर एक काम नहीं किया, किसका, 2 का मल्टीप्लाई करना अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ी उलझन हो जाएगी। तो यहाँ 2 को ना भूले तो आंसर हो जाएगा 14/3। एक चीज और ना भूले सर, पीछे यूनिट जरूर लगाए, वर्ग इकाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगेन देखने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अभी आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 2√x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। वैसे ही क्वेश्चन सर, पहचान में नहीं आ रहा कि ये सर कौन सा कर्व है, तो ये कर्व कोई भी नहीं है, वही आपका पैराबोला है। सर कैसे पता लगा, तो बिल्कुल पता लगना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो बिल्कुल आपको पैराबोला नजर आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा, ये y बराबर 2√x है, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब y स्क्वायर बराबर 4 और √x की जगह आ जाएगा x, तो आपका ये बिल्कुल एक पैराबोला देखने को मिल रहा है। और पैराबोला जब है तो y का स्क्वायर मतलब पावर यहां पर 2, और ये किस अक्ष के प्रति सममित होगा, तो बिल्कुल आपका x अक्ष के प्रति सममित, मतलब आपका ये पैराबोला इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर, नेक्स्ट, x इक्वल टू 0 और 1 से, मतलब x इक्वल टू 0 वाली लाइन तो आपको बिल्कुल ये दिखाई दे रही है, नेक्स्ट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 से हम ले लेते हैं, तो ये रहा आपका x इक्वल टू 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल, ये आपका पैराबोला को नाम दे देते हैं y बराबर 2√x, इस लाइन को भी नाम दे दिया x इक्वल टू 1। क्लियर, यहां से देखिएगा, आपको ये एरिया फाइंड करना है तो वही अगेन सममितीय क्षेत्रफल है, मतलब दो एरिया बनेंगे, एक तो एक ये बनेगा तो दूसरा ये, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कैलकुलेट करना है। और मैं पट्टी कौन सी सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो एजी जिसमें कैलकुलेशन होगी सर इसी में होगी, क्योंकि पट्टी ये लेंगे वर्टिकल वाली, y डॉट डी एक्स लेंगे तभी तो x के मान, और x के मान तो ऑलरेडी गिवन है, कहाँ से कहाँ तक पट्टी मूव करानी है, 0 से लेकर 1 तक करानी है। तो यहाँ से देखिएगा, लिख लेना आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, y डॉट डी एक्स क्यों लिया, आपको समझ आ गया होगा, पट्टी सर 0 से 1 तक मूव कर रही है तो 0 से 1 भी लगा दिया सर। y डॉट डी एक्स क्यों लिया, इसका रीजन आपको समझ आ गया होगा, वर्टिकल आपने लिया पट्टी, ये dx है तो ये आपका y लेंथ है, y डॉट डी एक्स सारा पट्टी मूव करेगा, एरिया बनने का मतलब योग होगा, सारे एरिया को योग करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं,
इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात? तो यहां से देखिएगा वाई डॉट डी एक्स आपका आ गया, तो वाई डॉट डी एक्स ये एरिया फाइंड कर रहा है, ये भी तो एरिया है भाई, सममित है, सिमेट्रिसिटी है, मिरर का काम कर रहा है एक्स एक्सिस, कहने का मतलब यहाँ 2 लगाना ना भूले। क्लियर? तो यहां से देखिएगा 2 0 से 1 y डॉट डी एक्स, वाई की वैल्यू आपके पास में बिल्कुल गिवन है सर, y की वैल्यू आ रही है 2 रूट एक्स डी एक्स, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 रूट एक्स का। आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए भाई, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्स की पावर 3/2 / 3/2, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 होता है आपका रूट, पावर का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं 0 से 1। तो यहां से हो गया भाई, बताओ ये कितना हो गया, यहां से हो गया आपके पास में 8/3, और यहां से हो जाएगा आपका, रखिएगा पावर 1/3/2, 0/3/2, तो आंसर आ गया 8/3 वर्ग इकाई। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, y का सिर्फ वैल्यू रखना था, 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया 4, और 4 के बाद में रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके इजीली आपको सॉल्व करना था एक 8/3 वर्ग इकाई इसका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान ये रखना है x इक्वल टू 0 से 1 तक मूव करा रहा है, दोनों एरिया आपके छायांकित होने चाहिए, तो एक एरिया फाइंड करो और एक एरिया फाइंड करने के बाद 2 से उसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका बिल्कुल आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अगेन एक समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन, एक दीर्घ वृत्त दे रखा, उसका एरिया और वो भी कहा है संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए, देखो x का पावर भी 2, y का पावर भी 2, कहने का मतलब सर ऐसे वक्र जो होते हैं वो दोनों एक्सिस के प्रति सममित होते हैं। क्लियर? तो यहां से चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाओ चाहे x एक्सिस के, तो यहां से a और b को तो कुछ मेंशन नहीं कर रहा, ग्रेटर लेस, तो आप कैसे भी बनाओ डायग्राम, आपने 11th में अच्छे ढंग से सीखा है एक एलिप्स को बनाना, और एलिप्स का क्या प्रॉपर्टी होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एलिप्स हमने बना दिया, इस चीज का ध्यान रखें, तो एलिप्स बनने के बाद में थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है तो उस चीज को ना देखें, आप सिर्फ अच्छे ढंग से मैथ्स को समझे कि किस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझना है। क्लियर? तो यहां से देखिएगा वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब यहां पे जो अंतःकरण कट रहा है वो आ रहा है 1,0, यहां हो जाएगा -1,0। सिमिलर फॉर्म में यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा 0,b और ये हो जाएगा 0,-b। तो इसको अच्छे ढंग से सजावट कर ली हमने इसको निर्देशांक की सहायता से, और हमको एरिया फाइंड करना है, ये भाई पूरा क्षेत्रफल, पूरा मतलब ये पूरा आपको एरिया फाइंड करना है, मतलब पूरा गुलाब जामुन फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये पूरा गुलाब जामुन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये दोनों एक्सिस के प्रति सममित है, कहने का मतलब आप सर इसमें से कोई एक पार्ट, चौथाई पार्ट उठा दो, क्योंकि सर शुगर है पूरा, अगर खा लिया एक साथ तो आपको शुगर हो जाएगा, और शुगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से आपको करना क्या है, इस गुलाब जामुन का सिर्फ चौथाई पार्ट उठाओ और चौथाई पार्ट से कह दो कि हमने गुलाब जामुन को टेस्ट कर लिया, मतलब पूरा गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो उस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, तो यहां देखिए वही एक पट्टी सेलेक्ट कीजिए, सर वो पट्टी चाहे एक्स एक्सिस में लो या वाई एक्सिस में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एरिया कहीं से भी फाइंड हो जाएगा। सर मैं y डॉट dx ले रहा हूं, तो y डॉट dx लेंगे तो आपको बिल्कुल पता है ऊर्ध्वाधर पट्टी वर्टिकल स्ट्रिप, तो सर y डॉट dx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले डायग्राम बनाते ये टर्म लिखना y डॉट dx। अब सर ये कहां से कहां तक मूव कर रही है पट्टी, तो सर ये 0 से लगाकर a तक मूव कर रही है, क्योंकि यहां पर आपका a पॉइंट आ रहा है, तो ये मूव कर रही है सर 0 से a। लेकिन सर इस गुलाब जामुन का तो सिर्फ चौथा ही पार्ट ही निकला है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब पूरा खाना, तो पूरा खाना है और पूरा एक साथ खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, शुगर हो जाएगा भाई। तो यहां से करेंगे क्या, हम सिर्फ एक पार्ट निकालेंगे और एक पार्ट निकालने के बाद में उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दुकानदार को बोलेंगे कि भाई हमने सिर्फ इतना सा पार्ट चख लिया, आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे और हम बिल्कुल खरीदेंगे, तो 1, 2, 3 और 4, मतलब यहां से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, एक चौथाई पार्ट, मतलब सारे तरफ से आपका सममिति वाला बन रहा है, तो एक पार्ट भी फाइंड कर दिया, 4 से गुणा कर दोगे तो पूरे गुलाब जामुन, मतलब पूरे दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप सोचेंगे गुलाब जामुन सर गोल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे भी एलिप्स टाइप के बनते हैं, बहुत ही फेमस है, कभी खिलाएंगे आप यहाँ की आएंगे सुरई की तरफ तो बिल्कुल हम देखने वाले हैं, गुलाब जामुन के साथ में आनंद लेने वाले हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन के साथ में आनंद करेंगे। यहां से दे रखा है 0 से a पट्टी मूव कर रही है, 0 से a तक जब पट्टी मूव करेगी तब आपको y डॉट dx लेना है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर पट्टी लिए 1, 2, 3, 4 एरिया,
तो चार से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिएगा, फोर जीरो से, तो इस कंसेप्ट में वाई निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, वाई निकालेंगे। बिल्कुल देखना सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर ना भूले, तो ये बी स्क्वायर नीचे ही है, तो वाई स्क्वायर बराबर, फाइनल में लिख रहा हूं देखना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू आ गया सर बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैंने वाई का वैल्यू लिया है पॉजिटिव साइड में, तो ए की वैल्यू ले रहे हैं, तो आ गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा 4 डॉट बी अपॉन ए 0 से ए। अरे भाई, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से बताया है, या आप गुलाब जामुन में उलझ गए? बिल्कुल नहीं उलझना, क्वेश्चन पे चलना है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन का इंट्रीगेशन पे आओ, कहा भी था कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंट्रीगेशन का पार्ट डीएक्स के साथ में अंश में होगा। फॉर्मूला रिकॉल करो, फिर से उसी चीज को दोहराते हैं, 4 डॉट बी अपॉन ए, इसका स्टार्टिंग होता है x बाई टू से, जो दे रखा उसी को पेस्ट करो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, याद करो कहा था रूट आएगा, कॉन्स्टेंट पार्ट आ गया, तो बिल्कुल और बिल्कुल साइन इनवर्स आएगा। बिल्कुल वो पिछला वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाकलन का, साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 से a आपका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 4 डॉट बी अपॉन ए, यहां से लिमिट पुट करेंगे a, तो जैसे ही a रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो 0 बना देगा, तो ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहां से a इसमें पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a अपॉन ए। सर 0 को तो पुट करने की जरूरत नहीं, सर यहां पुट किया तो ये पूरा 0, यहां पुट किया तो साइन इनवर्स 0 की वजह से ये पूरा 0, तो ये तो भाई लिखो ही मत, माइनस 0 तो वही रहता। अब देखो साइन इनवर्स a अपॉन ए हो जाएगा 1, तो यहां से मैं लिखूंगा 4 बी अपॉन ए ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स भाई हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा आपका 1, और बताइए साइन इनवर्स का 1 का मान, बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स 1 का मान आपको बताना है पाई बाई टू, तो यहां से हो जाएगा 4 डॉट बी ए ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, 2 और 2 4, मतलब 4 से 4 कैंसिल, और यहां पर a से a भी कैंसल, यानी कहने का मतलब आपका दीर्घवृत्त का एरिया आ गया पाई ए बी, और पीछे यूनिट लगाना ना भूले, वर्ग इकाई। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था, पूरा गुलाब जामुन खाना था, तो एरिया हो जाएगा पाई ए बी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आपको दीर्घवृत्त दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो यहां सर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित जो एरिया बन रहा है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही सिर्फ और सिर्फ चौथाई, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शुगर है, तो चौथाई आपको एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कहेगा तो 4 से गुणा, एक्स अक्ष के ऊपरी भाग कहेगा तो 2 से गुणा, सिर्फ और सिर्फ चौथाई भाग कहेगा तो कुछ भी नहीं, वाई डॉट डी एक्स ही रखना है, तो इसका जो एरिया मिलने वाला है संपूर्ण वो मिलने वाला है पाई ए बी। अब देखिएगा पाई ए बी अगर मिला है, अगर यही ए और बी दोनों इक्वल हो जाते तो ये बन जाता है एक सर्कल का इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन के अंदर ए और बी को अगर इक्वल कर देंगे तो बन जाएगा आपका एरिया पाई ए स्क्वायर, और इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एक इंट्रीगेशन की हेल्प से हम जो बचपन में पढ़ते थे सूत्र पाई आर स्क्वायर, वो बिल्कुल और बिल्कुल प्रूफ होता नजर आ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलस फंक्शन का, और मॉड्यूलस फंक्शन इससे समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन को किस तरीके से ओपन करते हैं। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव एक्स मिलेगा तो दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे, और नेगेटिव आपका हो जाएगा x लेस देन 0 पे। तो देखिए इसका प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट आप देखेंगे फिर आप इसका इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका प्लॉट जो है बहुत ही सिंपल, y इक्वल टू मॉड x की मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 1, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मॉड x का ग्राफ आपको पता भी होगा, एक v टाइप का ग्राफ बनता है, और V टाइप का ग्राफ कुछ भी नहीं है। देखिएगा दो लाइंस बनेगी, सबसे पहले y इक्वल टू x वाली लाइन, तो ये लाइन y इक्वल टू x है। सर कैसे पता लगा,
सर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, वहां पर m की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव स्लोप मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि m की वैल्यू 1 है उस केस में यहां पर x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल मतलब पॉजिटिव स्लोप के साथ में, और पॉजिटिव स्लोप आपको दिखाई दे रहा है तो इसका लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ में y भी का मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसको कह भी सकते हैं सर इंक्रीजिंग फंक्शन है, x के साथ साथ y की भी वैल्यू बढ़ रही है। सेम कंसेप्ट में यहां पर आपको ये x की वैल्यूज है, ये आपका x डैश नेगेटिव वैल्यूज, यहां पर आपको कैसे मान मिल रहा है, ये वाली जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है वो है y इक्वल टू माइनस एक्स, कहने का मतलब यहां से x की वैल्यूज के साथ साथ में y का मान घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहां पर y इक्वल टू एम एक्स मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स नेगेटिव आपका स्लोप आ रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है भाई कि यहां पर आपका x के मानों के साथ साथ y का मान घटता हुआ मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो एक v टाइप का ग्राफ बन गया मॉड्यूलस फंक्शन का। क्लियर हो गई बात। अब यहां से हम देखेंगे दो लाइंस x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 1 पे, तो ये सपोज x इक्वल टू 1 का एक लाइन हो गया, ये 0 तो है ही, नेक्स्ट यहां पर सपोज ये x इक्वल टू माइनस 3 का लाइन हो गया। क्लियर। तो यहां सर हमको दो एरियाज देखने को मिल रहे हैं, और इन इसका आपको कहा है x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, तो ये आपका x एक्सिस इसको बाउंडेड कर रहा है, मतलब यहां सर दो एरिया बन रहे हैं, और दो एरिया बन रहे हैं तो सर हमको बिल्कुल दो ही इंटीग्रेशन भी लिखने पड़ेंगे, एक तो होगा y डॉट dx, दूसरा भी होगा सर y डॉट dx। सर यहां आपने दो से गुणा क्यों नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं कर सकते दो से गुणा, क्योंकि सर ये एरिया तो छोटा है और ये वाला एरिया बड़ा है, सममित थोड़ी है y एक्सिस यहाँ पे, क्या y एक्सिस सममित लेकर यहाँ पर ये एरिया जितना उतना एरिया लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ एरिया कुछ डिफरेंट है तो यहाँ एरिया कुछ डिफरेंट है, इसीलिए तो y डॉट dx दोनों अलग अलग लिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, y डॉट dx लिया है तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पट्टी कौन सी आएगी भाई, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर पट्टी हमने सेलेक्ट कर दी, और ऊर्ध्वाधर पट्टी कहां से कहां तक मूव कर रही है, तो सर पहली जो है 0 से लगाकर 1, तो ये आपने देखो 0 से लगाकर 1 तक इसका लिमिट लगा दिया। नेक्स्ट देखिए दूसरा कर्व देखेंगे, तो दूसरा देखिए कहां से कहां तक, तो पट्टी हमने मेंशन करी, और पट्टी सर ये बता रही है कि -3 से 0 तक आप घूमते चाहो, तो जैसे ही -3 से 0 लगाया तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। क्लियर। तो देखिएगा 0 से 1 पर ये ऐसे बेसिक्स है जो आगे बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं। 0 से 1 तक y कौन सा लेना है, देखिए ये अभी ऐसे क्वेश्चंस है जो आगे वाले बड़े क्वेश्चंस में आपको समझ आएगा, ये छोटे छोटे कंसेप्ट इकट्ठे होकर आपको बहुत अच्छा बड़ा सवाल समझ में आने वाला है, ठीक है। तो y का मतलब इसमें कौन सा y लेना है, तो 0 से 1 में कौन सा वक्र है, 0 से 1 में कौन सा लाइन है, तो सर 0 से 1 में तो एक ही लाइन दिखाई दे रहा है y इक्वल टू x, तो यहाँ पे y की जगह सर वैल्यू आ जाएगी x डॉट dx। नेक्स्ट बताइए सर -3 से 0 कौन सा लाइन आ रहा है, तो -3 से 0 सर लाइन आ रहा है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहां रख देंगे y की जगह -x.dx। क्लियर। यहां से इंटीग्रेशन करो तो x स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगेगी 0 से 1, यहां पर आपने इंटीग्रेशन किया तो माइनस आपने बाहर भेज दिया सपोज x स्क्वायर बाय 2 और -3 से 0। आप इस इंटीग्रेशन को प्लस बना सकते हैं सर, कैसे वापिस याद कीजिएगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कि अगर इसको प्लस बनाएंगे तो सर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपर बन गया लोअर और लोअर बन गया अपर। क्लियर। यहां से देखिएगा x स्क्वायर बाय 2 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 2 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां से -3 रखा तो -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहां से हो गया सर 1 बाय 2 प्लस 9 बाय 2 मतलब 10 बाय 2 और आंसर हो गया सर 5 वर्ग इकाई। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, y बराबर मॉड एक्स ग्राफ को अगर प्लॉट करना अच्छे से सीख गए तो क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं था। तो ये आपका एरिया ये फाइंड करना था y इक्वल टू मॉड एक्स और x अक्ष से बाउंडेड एरिया, ठीक है, तो नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन, और उसके बाद में दो या दो से ज्यादा करवाते हैं तो उनको कैसे डील करना है, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो, क्योंकि उसमें आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के बिल्कुल मिलने वाला है, और इसमें से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है अगर आपका किस्मत अच्छा है,
यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन मेरे को बेसिक्स क्लियर करना था तभी आपका वो 3 मार्क्स वाले जो बड़े क्वेश्चन है वो बिल्कुल बन पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहा है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स अक्ष से बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, एक्स का कुछ रेंज दे रखा है, 0 से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। क्लियर, तो यहां से देखिए सबसे पहले वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम देखते हैं। तो y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका x एक्सिस और y इक्वल टू कॉस एक्स अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि अगर इसको 0 से स्टार्ट करते हैं तो सर कॉस 0 की वैल्यू हाईएस्ट मैक्सिमम 1 होती है, तो ये कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 पे, और 1 से ये जब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होते 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 ये 0 पर पहुंचा, मतलब y की जो वैल्यू है वो 0 और y की वैल्यू 0, मतलब कॉस किस पे 0 देगा, मतलब यहाँ पे 0 किस पे देने वाला 90 पे, तो ये वाला जो कर्व है ये पाई बाय 2 पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 मिलने वाली है, 1 से 0 पे पाई बाय 2 पे ये आपका 0 मिलेगा। क्लियर, तो ये आपका एक कर्व हो गया cos x का फर्स्ट। और नेक्स्ट देखते हैं आगे आपको कहां तक जाना है, 0 से पाई बाय 2 तो है, पाई बाय 2 से और आगे जाना है, तो बिल्कुल आगे चलाते हैं इसको। तो जैसे इसको बढ़ाया आगे और ये कहां तक भेजना है भाई, पाई तक भेजना है, तो बिल्कुल देखिएगा और इसको इस तरफ बनाया अगर, तो देखिए अगर इसको डॉटेड वर्जन में इस तरफ, वैसे इस तरफ जरूरत नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस तरफ बनाएंगे आप, थोड़ा सा ड्राइंग का आप ना समझे इतना ज़्यादा, ये आपका माइनस का पाई बाय 2 होने वाला है क्योंकि कॉस 90 यहाँ पर भी आपको 0 वैल्यू मिलती है। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे कंसेप्ट में अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये आपका पाई आपको वैल्यू मिलने वाला है। सर एक बार बात बताओ कि कॉस पाई होता कितना है, बिल्कुल बताते कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है। अरे नहीं फाइंड करनी आती तो फिर भी सीख लो, कॉस पाई का मतलब होता है 90 प्लस 90 और 90 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा चेंज, 90 प्लस मतलब साइन और कॉस है की पॉजिटिव, लेकिन कॉस है इसलिए आगे आ जाएगा नेगेटिव, साइन 91 माइनस 1 मतलब कॉस पाई की वैल्यू हो गई माइनस का 1। तो यहां से माइनस का 1 मतलब आपको यहां पर आपका माइनस का 1 ड्रॉ हो जाएगा, और माइनस के 1 के रेस्पेक्ट में पाई की भी वैल्यू इसी तरीके से कुछ लेनी है कि आपकी वैल्यू सपोज यहाँ से चलते हुए और यहाँ से चलते हुए इस पाई पर आपका स्टॉप होना चाहिए क्योंकि पाई पे आपका वैल्यू जो है वो माइनस का 1 होना है। थोड़ा ड्राइंग थोड़ा आप भी समझेंगे ड्राइंग को बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको कॉस पाई के ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है माइनस का 1, और हमको सिर्फ इतना ही ग्राफ चाहिए, कहाँ से कहाँ तक सर 0 से पाई, और आगे जाएंगे 3 पाई बाय 2 पे तो वहां 0 मिलने वाला है, तो इतना बड़ा कर्व आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। सिमिलर फॉर्म में साइन का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो साइन का भी उसी दृष्टि से मान रखते रखते हुए आप ग्राफ बनाएं। तो देखिएगा यहां से 0 से पाई तक का एरिया ही काउंट हो रहा है, मैं अगर इसको छायांकित करना चाहूं तो ये 0 से पहला एरिया हो गया पाई बाय 2, ये दूसरा एरिया हो गया पाई बाय 2 से पाई वाला एरिया बन रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि यहां पर एक पार्ट तो बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर और एक पार्ट बन रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना पड़ेगा सर कैसे, तो जैसे हम चाहेंगे क्षेत्रफल लिखेंगे तो अगेन हम पट्टी कंसीडर करेंगे, सर हमने पट्टी कंसीडर की वाई डॉट डी एक्स वाली, मतलब कौन सी वाली पट्टी भाई, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप पट्टी इसलिए सेलेक्ट की इजिली आपको एक्स के वैल्यूज मिल रहे हैं, तो यहां से हमने देखा y डॉट डी एक्स पहला मान मतलब पहला वाला आपका एरिया और दूसरा एरिया ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो यहां से भी आपका हो जाएगा y डॉट डी एक्स। अब देखिएगा यहां लिमिट लगानी पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा एरिया कैसा होता है, हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एरिया मतलब ये तो नेगेटिव साइड में बन रहा है, तो यहां एक चीज ना भूले मॉडुलस, इसीलिए सेकेंड एरिया पर मैंने क्या लगा दिया मॉडुलस, ताकि एरिया अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एरिया हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर, तो यहां से देखो y डॉट डी एक्स, वाई डॉट डी एक्स मतलब पहला हो गया 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2, नेक्स्ट एरिया बटा है पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से हो गया आपका पाई। अब देखिएगा इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है, तो 0 से पाई बाय 2 वाई की जगह रखेंगे कॉस एक्स डॉट डी एक्स, नेक्स्ट बताए इंटीग्रेशन में पाई बाय 2 से पाई वाई डॉट डी एक्स का मतलब कॉस एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर होता है साइन एक्स, लिमिट आ गई 0 से पाई बाय 2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और लिमिट होती है 0 से सॉरी पाई बाय 2 से हो गया पाई, और इस मॉडुलस को ना भूले, तो देखिए लिमिट रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 प्लस यहां से हो जाएगा साइन पाई
माइनस साइन पाई बाय टू। तो यहां से आपका मॉडुलस का निशान ये ना भूले। देखिए यहां से साइन 90 होगा 1, साइन 0 हो गया 0, और यहां से देखिएगा प्लस मॉडुलस में साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस साइन पाई बाय टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहां से आपको समझ आया 0 माइनस 1 होता है माइनस का 1, और माइनस 1 का मॉडुलस हो गया प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये हो गया आपका बेसिकली 2 वर्ग इकाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफ अच्छे से आपको प्लॉट करना आ गया तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होने वाला। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे, दो वक्रों के बीच में मध्यवर्ती क्षेत्रफल कैसे निकलता है उस चीज को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ग्राफ का एक एक अच्छे ढंग से आपको बेसिक फॉर्म में क्लियर किया, इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।